फ्रेंड्स, वेलकम टू फर्मियन क्लासेस। और हमारी सीरीज सॉर्टिंग में ये दूसरा वीडियो है जिसमें मैं आज आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम लोग इजिली दो मासेस के बीच में जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है उसको इजिली बता सकते हैं। तो जैसे कि ये हमारे पास कोई सिस्टम जिसमें 14 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस साइड की ओर, जो कि जिसके पास हमारे पास तीन ब्लॉक है ए बी सी और जिसका मास है 4 kg, 2 kg और 1 kg। और हम लोग के बीच पूछा है कि 4 kg और 2 kg मास के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, आप ये बताइए। तो आप इसको कैसे बताएंगे? हम लोग अगर इसका सबका अलग अलग एक ब्लॉक लेंगे और फिर सबका एफबीडी निकालेंगे, पहले हम 4 kg का निकालेंगे, फिर 2 kg का निकालेंगे, फिर हमें क्या कहते हैं इक्वेशंस मिलेंगे, इतना सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। पहले हम लोग इस ये जो भी सिस्टम है जो 14 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो तीनों साथ में ब्लॉक जा रहे होंगे, तीनों ब्लॉक साथ में जा रहे हैं तो सबका एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। एक्सेलरेशन तो भाई सबका सेम होगा, जो कि ए हो, मान लो हम लोग अगर ए मानते हैं सबका एक्सेलरेशन सेम होगा। सबका एक्सेलरेशन कितना होगा, हम लोग के जो मिडिवल एरा में हमारे जो न्यूटन साहब थे उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था एफ इक्वल टू एम ए। हम लोग पता है यहाँ पे एफ हम लोग कितना दे रहे हैं, 14 न्यूटन दे रहे हैं। 14 न्यूटन अगर हम लोग फोर्स दे रहे हैं और मास हम लोग का टोटल कितना है, 4 kg + 2 kg + 1 kg, 4 kg + 2 kg + 1 kg। तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन ये निकलेगा 14/7 जो कि कितना होगा 2 m/s² और एक्सेलरेशन क्या होगा, हर जगह सेम होगा, तीनों ब्लॉक में सेम फोर्स लग रहा है। ठीक है, हम लोग का यहाँ से एक्सेलरेशन क्या निकल गया, 2 m/s². और हम लोग यहाँ पे अलग अलग सबका एफबीडी बना के सबका नहीं निकालेंगे, हम लोग क्या करते हैं सिंपली एक मास लेते हैं 4 kg का। ठीक है, और इसमें देखते हैं भाई हम लोग का कितना फोर्स इधर की ओर लग रहा है। ठीक है, जैसे कि हमारे न्यूटन भाई साहब ने बताया F इक्वल टू क्या होता है, M इनटू क्या होता है, A होता है। इस ब्लॉक का M कितना है, 4 kg है, 4 है, और एक्सेलरेशन कितना है, सब सारे ब्लॉक्स का कितना है, बराबर है, A है, 4 × 2 कितना हुआ, 8 न्यूटन। भाई 8 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ये भाई हमारा जो ब्लॉक है 80 न्यूटन फोर्स दे रहा है, और लेकिन हम लोग इधर से कितना 14 न्यूटन दे रहे हैं। अब न्यूटन भाई साहब सोचते हैं मैं इधर से तो 14 न्यूटन दे रहा हूँ और ये हमारे ब्लॉक 8 न्यूटन दे रहे हैं, तो बाकी का बचा कहाँ जा रहा है, बाकी का बचा ये जितना बचा हुआ फोर्स है इधर से क्या लग रहा है, नॉर्मल, इधर की ओर नॉर्मल लग रहा है, ये 8 दे रहा है, बचा कितना 14 - 8 6 न्यूटन फोर्स हमारा किस साइड लग रहा होगा, साइड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इन दोनों मासेस के बीच। ऐसे जब हमें इसका निकालना होगा तो हम इस दोनों को ऐड कर देंगे। और हम लोगों को अगर मान लिया हमारा अगला क्वेश्चन पूछ दे क्या कि आप बताइए 2 kg और 1 kg के बीच में कितना लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो हम लोग ले लेंगे एफ इक्वल टू एम ए और मास हम लोग लेंगे यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा ब्लॉक एक में लेंगे और हो जाएगा कितना 4 + 2 × 2 दैट विल बी कितना एफ इक्वल टू 6 × 2 = 12। तो हम लोग का कितना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, 14 - 12 दैट इज इक्वल टू 2 न्यूटन। और यही है हमारी आज की इस छोटी सी